हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले बनेंगे आपके ये। और देखा जाए तो ये बहुत लेस ऑयल में मैं बनाऊँगी। ये छोले मैंने रात को भिगो के रखे थे, तो मैं उसको एज इट इज़ कुकर में डाल दूँगी और मैं उसको बॉयल नहीं करूँगी। इसको मैं सीधा ही कुकर में डाल के इसमें मैं बड़े बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दूँगी और फिर मैं इसमें प्याज को काट के डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी और दो मैं तेज पत्ता डालूंगी, एक मैं बड़ी इलायची डालूंगी इसमें और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें मैं सीटी लगा दूंगी। 3 से 4 सीटी मैं इसमें लगा दूंगी और इसमें आपको कुछ नहीं करना और ये इतने टेस्टी छोले बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले, कम समय में बिना कुछ किए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। जो भी आप ऑयल खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था 1 स्पून। ये 2 स्पून में बहुत सारे छोले बन जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें सीटी लगा दूंगी और इसमें आपको मोटा मोटा ही करके सब कुछ डाल देना। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालूंगी और ना ही मैं इसमें साबुत लहसुन या अदरक डालूंगी, सिर्फ मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब डालूंगी। देखिए मेरे छोले ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें से सारे जितने खड़े मसाले मैंने डाले, वैसे तो मैंने तेज़पत्ता और इलायची ही डाला है, वो मैं निकाल दूंगी इसमें, और जो टमाटर के छिलके हैं वो भी मैं इसमें से हटा दूंगी, क्योंकि जब मैं टमाटर इसको मैश करूंगी तो ये टमाटर को मैश करूंगी तो ये छिलके जो हैं वो मैश नहीं होते हैं, वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो उसको मैं ऐसे ही निकाल दूंगी अच्छे से। और फिर मैं साइड में सारे टमाटर को मैं अच्छे से मैश करूंगी, बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं ये देखिए दबा दबा के। और साइड में मैं थोड़े से छोलों को भी साइड में मैं मैश कर दूंगी, जिससे कि ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारा अच्छे से मैश हो गया, हरी मिर्ची भी हो गई। अगर आप हरी मिर्ची खाते हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ आप ना डालें। अब मैं इसमें बेसिक मसाले डालूँगी, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, और ना इसमें आप चना मसाला डाल सकते हैं, कोई किसी भी ब्रांड का। मैं SDS का चना मसाला डाल रही हूँ। इसमें अनारदाना, काफ़ी सारे मसाले मिक्स होते हैं तो उसका काफ़ी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इससे ना आपके छोले जैसे मार्केट में मिलते हैं काले काले रंग के, वैसे भी हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे फिर से कुकर गैस को जला के कुकर उसके ऊपर चढ़ा के उसको अच्छे से मैं पकाऊंगी। और देखिए मेरे छोलों का कलर कितना अच्छा हो गया। मैंने इसमें अभी ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, जब मैंने स्टार्टिंग में 1 स्पून डाला था बस मैंने वही डाला है। अब मैं कसूरी मेथी डाल के उसको अच्छे से मैं फिर से पकाऊंगी, मतलब जितना ये कड़ेगा ना, जैसे कड़ी को हम काटते हैं वैसे, अगर ये भी अच्छे से कड़ेगा तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मेरे छोलों का कलर कितना अच्छा हो गया। अब मैं इसमें बहुत सारा धनिया डाल के इसको फाइनल टच दे दूँगी और ना इसमें एक और तड़का मैं लगाऊँगी। अगर आपको लगाना है तो आप लगाइए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप कम ऑयल खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका 1 स्पून ऑयल में बहुत ही अच्छे टेस्टी छोले बन जाएंगे, और इसमें अदरक लहसुन भी नहीं डाला। ये देखिए छोले कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं पैन में 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल लेके, ये देखिए मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालूंगी और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, जिससे कि मतलब छोलों का कलर अच्छा हो जाए। मेरे को वीडियो में दिखाना था तो मैं इसलिए डबल तड़का लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोग ऑयल कम खाते हैं तो आप ये वाला तड़का जो है स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये छोले बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, और ना अगर आपको SDS का ब्रांड का मसाला मिले छोले मसाला, तो आप उसको यूज़ कीजिए। उसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप थोड़ा सा नमक कम डालिएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है। ये देखिए मेरे छोले बन गए हैं। इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी छोले बने थे, कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले थे ये। एक बार ट्राई करके देखिएगा। और गाइस थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय।